वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जीप्स। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो एक ब्लैक मॉन्स्टर जंबो टायर्स के साथ रेडी हो चुका है, ढेरों फीचर है, हर फीचर को एक्सप्लोर करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरा देखें। और आप भी एक मॉडिफाइड जीप लेना चाहते हो, ऐसा एक शानदार गाड़ी लेना चाहते हो, तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आप डिसाइड करें कौन सा गाड़ी लेना है, कैसा गाड़ी लेना है, कौन सा कलर लेना है, कौन से फीचर लगवाने हैं, हर चीज को डिसाइड करें। उसके बाद हमारी मैनेजमेंट टीम के साथ वो फीचर्स जो है डिस्कशन करें, फिर अपना ऑर्डर प्लेस करें। और पैसा डालने से पहले एक बार वीडियो कॉल जरूर करें मुझे, ताकि आपका पैसा सेफ हैंड्स में जा सके। इन बातों का पूरा पूरा ध्यान रखें। तो भाई सबसे पहले देखते हैं शानदार गाड़ी का वॉकआउट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। कैसा लगा आपको हमारा ये शानदार ब्लैक बीस्ट? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपके कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे जरूर लिखें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जो नए फ्रेंड आज पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबा दें, फिर ही आपको ऐसी शानदार गाड़ियों का वीडियो देखने को मिलेगा और ढेरों नॉलेज मिलेगा मॉडिफाइड जीप के बारे में। और अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हो, अगर नहीं करते तो इंस्टॉल कर ले, बहुत ईजी है इंस्टाग्राम और फेसबुक, वहां पे फॉलो करें हमारे चैनल जैन मोटर जीप को। वहां पे इस टाइप की गाड़ियों की फोटोज अपलोड होती है, रील्स आती है, और मेनली लाइव स्ट्रीम के अंदर बातचीत होती है हमारे फ्रेंड्स के साथ, पूरा उनको नॉलेज दिया जाता है, जो भी उनके क्वेश्चन है उनके आंसर दिए जाते हैं। तो भाई बहुत ही प्यारा गाड़ी है, शानदार गाड़ी है, ब्लैक बीस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की ओनरशिप डिटेल के बारे में। दोस्तों ये गाड़ी हमने बना के दिया है मिस्टर करण जी, जो कि है तरन तारण पंजाब से, लेकिन इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था हमें डायरेक्ट यूएसए से, तो वहां से ऑर्डर कर दिया। उसके बाद उनके फ्रेंड सर्कल से, उनके कुछ रिलेटिव हमारे पास आए थे, आके हमें पैसा दे गए, उसके बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया। देखो मॉडिफाइड जीप का एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है, जैसे ही गाड़ी कलर पे आया तो उनके फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव दोबारा आए गाड़ी देखने के लिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने गाड़ी लेना है तो थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि ये गाड़ियां जो होती है ना, ये ऑर्डर बेस पे रेडी होती है। जैसे आप ऑर्डर कर दोगे, अपना जो डिसाइड कर रखा है, जो अपने मॉडल डिसाइड कर रखा है, जो अपने कलर डिसाइड कर रखा है, वो सारा बताओगे, उसके अकॉर्डिंग ही गाड़ी रेडी होगा। और 2 महीने का टाइम लगता है, जैसे आप ऑर्डर करोगे 2 महीने के अंदर अंदर हम आपको गाड़ी रेडी कर देंगे। और ये गाड़ियां जो होती है ना, ये रेडी स्टॉक में हम नहीं रखते। रेडी स्टॉक में क्यों नहीं रखते, इसका कारण ये है दोस्तों, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे किसी को इस टाइप की ग्रिल चाहिए, किसी को इस टाइप का बंपर चाहिए, किसी को प्लेन बंपर चाहिए, किसी को मडगार्ड दूसरे चाहिए, किसी को कलर दूसरा चाहिए। तो ऐसे अगर वैरायटीज हम रखेंगे तो कितनी कितनी रखेंगे, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ऑर्डर बेस पे ही हम रेडी करें। हाँ ये चीज हो जाती है, जैसे आपको जल्दी गाड़ी चाहिए तो क्या होता है, जैसे गाड़ियां हमारे पास कलर पे हैं, तो कलर से पहले पहले हम उसमें कुछ चेंजेस करके आपको गाड़ी जल्दी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इतना कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट आप ये मान के चलो जैसे ही आप ऑर्डर करोगे लगभग 2 मंथ का टाइम आपको लगेगा ही। तो भाई इस टाइप का जो गाड़ी है वो आपको ऑर्डर बेस पे ही रेडी करके देंगे। तो जैसे करण जी ने ऑर्डर किया, तो इन्होंने करण जी ने क्या क्या लगवाया है तो इसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले ग्लैडिएटर ग्रिल इसके अंदर फिटिंग करवा दिया है, और मुस्टैज बंपर के नीचे 4 हॉर्न्स और 2 HD हैवी ड्यूटी लाइट इन्होंने लगवाई है। जो लुक है वो पंजाबी लुक है, पंजाब में या तो ये टायर चलते हैं या फिर 295 टायर ज्यादा चलते हैं, तो इस टायर के अंदर अलॉय व्हील भी इन्होंने लगवाया है। अलॉय व्हील से ग्रेस इसका और ज्यादा बढ़ गया है। आप इसकी जगह पे आप व्हील कैप भी लगा सकते हो, या फिर आप इसको भी ना लगवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स्ट्रा पैसों की बात है। अगर आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना चाहते हो तो इस टाइप की चीजें आप लगवा सकते हो। तो जैसे इसके ऊपर जो एक हॉर्न लगाते हैं, लेकिन इन्होंने 3-3 बड़े हॉर्न लगवाए हैं, तो अंदर से भी इसका थोड़ा सा मैं आपको इंजन के बारे में भी डिटेल दे दूं। तो ये जो इंजन लगाया गया है दोस्तों, ये है महिंद्रा बलेरो टर्बो का, बहुत टाइम बाद डिटेल दोबारा बता रहा हूं, वैसे जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने तो देखा ही होगा।
ये जो इंजन होते हैं ना, ये भाई ओवरऑल किए होते हैं, पूरा काम नए सिरे से किया होता है। जैसे एक ब्रांड न्यू इंजन होता है वैसा ही ये इंजन है, पूरा यानी कि तसल्ली बख्श काम किया जाता है और इसको रीपेंट करके जो है इसको पूरी तरह से तैयार करके गाड़ी के अंदर रख दिया जाता है। ये यूज्ड इंजन होते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं होते, लेकिन यूज्ड इंजन को भी पूरा जब काम कर देते हैं ना, तो इसकी बॉडी ओल्ड रह जाती है, बाकी अंदर का जो काम है वो पूरा न्यू हो जाता है। जैसे बैटरी है वो एमरॉन की रखते हैं या एक्साइड की रखते हैं, ब्रांडेड बैटरी होती है, और न्यू बूस्टर लगते हैं जैसे क्लच बूस्टर हो गया, प्रॉपर तरीके से काम करके, अच्छा काम करके जो है हमारे कस्टमर को दिया जाता है। जैसे ये हॉर्न लगे हैं, हॉर्न के भी 3 अलग अलग बूस्टर लगाए गए हैं ताकि इसका आवाज़ बहुत ही बढ़िया लग सके। अगर इसको एक लगा देंगे तो एक से भी चल जाएगा, लेकिन उतना पावर नहीं आएगा। जैसे ये रेडिएटर है तो रेडिएटर भी इसके अंदर ओरिजिनल बैंको कंपनी का लगाया जाता है। मैं आपको हॉर्न भी सुना के दिखाता हूँ भाई, बहुत ही प्यारा है ट्रेन हॉर्न का आवाज़। तो हॉर्न का आवाज़ आपको सुना दिया, इंजन का डिटेल आपको दे दिया, और बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ और मॉडिफिकेशन के बारे में। तो ये जो बोनेट के ऊपर है, स्कूप बोनेट इसके अंदर लगा दिया है, साइड पे ग्रिल दे दी है, और ब्लैक रखा गया है पूरा गाड़ी को, यानी कि कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है कलर इसको कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, रेड और ब्लैक इंटीरियर दिया गया है। अंदर म्यूजिक सिस्टम जो एंड्रॉयड लगाया गया है, JBL का साउंड सिस्टम लगा दिया गया है पीछे, और भाई इसके अंदर स्टेयरिंग बोर्ड स्पोर्ट्स लगाया गया है पूरा मैट फिनिश के अंदर, अंदर का काम सिंपल सोबर किया गया है। पीछे की बात करें तो पीछे दोस्तों इसके अंदर कुछ फीचर एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, जैसे रियर जैक हो गया, LED टेल लैंप हो गया, और बुलेट साइलेंसर हो गया। तो ये चीजें इसके अंदर लगा दी गई हैं, और अलॉय व्हील 5th इन्होंने लगवाया है, बहुत बड़ा अलॉय व्हील है। बाकी अगर आप टायर लेते हो 295 या फिर मिनी मोस्टर या फिर आप ऑन रोड टायर लेते हो तो उसके साथ अलॉय व्हील आता है। जो बड़े मोस्टर टायर होते हैं इसके साथ अगर आप अलॉय व्हील एक्स्ट्रा में लगवाते हो तो फिर 5th अलॉय व्हील आता है, नहीं तो सिर्फ यहाँ पे रिम आएगा, उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेज आपको पे करना पड़ेगा अगर आप अलॉय व्हील लगवाओगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और बात करें तो पीछे भी पूरा सिंपल सोबर लुक है, बाकी भाई ओवरऑल गाड़ी जो है वो पूरा रेडी हो चुका है। अभी बात करते हैं पैसे कैसे देने हैं अगर आप ऐसा एक शानदार गाड़ी लेते हो। तो देखो सबसे पहले आप हमारी जो नंबर है 8190-6161 इस पर कॉल करें, हमारी मैनेजमेंट टीम से बात करें, फिर अपने फीचर्स डिस्कशन करें, क्या क्या फीचर्स लगवाने हैं और क्या कलर चाहिए, क्या बॉडी चाहिए, क्या टाइप का जो है आपको फीचर चाहिए, हर चीज़ आप डिस्कशन कर लें। बाद में आपको उस चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा, फिर आपको प्राइस बता दिया जाएगा, तब आप एक बार वीडियो कॉल करके पैसा डाल देना, 50,000 एक बार आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद भाई जैसे जैसे गाड़ी रेडी होगा आप खुद कहोगे यार मेरे को पैसा डालना है, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए हम लेते हैं जब गाड़ी रेडी हो रहा हो। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट है वो पूरा आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद हम गाड़ी आपको लोड करके भेज देंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो ये गाड़ी का जो प्राइस है भाई अराउंड 6 लाख के करीब आया है, ताकि इसके अंदर जो है अलॉय व्हील लगाए गए हैं, हॉर्न लगा दिए गए हैं, बाकी जो इसके अंदर फीचर्स लगाए गए हैं उसके अराउंड 6 लाख का जो इसका बजट आया है। बाकी आप जैसे गाड़ी लोगे, कौन सा नंबर चाहिए, कैसा नंबर चाहिए, आपकी स्टेट का चाहिए, ट्रांसफ़र करवाना नहीं करवाना, NOC चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं। आज जो हमारे करण जी के रिलेटिव आ रहे हैं गाड़ी का डिलीवरी लेने के लिए, तो थोड़ा सा वीडियो लेट भी हो रहा है, कुछ मैं न्यू प्रोजेक्ट में उलझा हुआ हूँ भाई, इस वजह से वीडियो थोड़े से लेट आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ हमने और बना के भेज दी हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो सभी के बारे में बताएंगे आने वाली वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।